हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखते हैं कैसे हम गूगल अर्थ के अंदर जूमिंग वीडियो बनाते हैं। मैप जूमिंग वीडियो कोई भी ब्लॉग वगैरह के अंदर हम लोग कहीं पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कैसे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज देखते हैं वो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउज़र के अंदर गूगल अर्थ प्रो सर्च करना है, ठीक है। तो उसके बाद अर्थ वर्जन पे यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आ जाइएगा यहाँ पे, तो आपको डाउनलोड अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिए आप। डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है हमें, ठीक है। सेम प्रोसेसर कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिए इसको यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे गूगल अर्थ को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये हमारा गूगल अर्थ प्रो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखिए इसके अंदर क्या है ना कि आप दो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अभी बॉर्डर्स दिख रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में देखिए बॉर्डर्स का आइकन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करके बॉर्डर्स एंड लेबल्स जो है यहाँ पे अनक्लिक करके यहाँ से इसको हटा सकते हैं। देखिए अभी आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी बनेगी, आप इसको रख भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले देखिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग का साइन है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड टूर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप हम लोग यहाँ से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम पहले लोकेशन यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हम रिकॉर्ड क्या करना है। तो पहले मैं डालता हूँ जैसे दिल्ली, यहाँ पे रिकॉर्ड पे हम लोग पहले क्लिक कर देंगे। रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अब डेली में यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखिए डेली यहाँ पे जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है। ये 11 सेकंड की वीडियो यहाँ पे अगर मैं स्टॉप करता हूँ तो यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ कि आपकी थोड़ी जो वीडियो है काफ़ी अच्छी दिखे। जैसे आप इसको कहीं पे भी लेफ्ट राइट कहीं पे भी कर दीजिए, थोड़ा जूम आउट कर दीजिए और अब वापस आप सर्च पे क्लिक कीजिए। देखिए ये अर्थ पूरा रोटेट हो रहा है और हमारे लोकेशन पे जूम इन हो रहा है। तो इस टाइप का भी आप पूरा सिनेमा टाइप का वीडियो यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इस पे रिकॉर्डिंग बटन पे स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आप टूर का जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं दिल्ली ही लिख लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो डेली नाम से यहाँ पे टूर हमारा सेव हो गया है। और देखिए उसके बाद हम यहाँ पे अगर ऊपर आते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूवी मेकर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये तब तक नहीं देखेगा जब तक हम लोग यहाँ पे इसको नीचे जो ये टैब ओपन हो रखा है इसको हम लोग क्लोज नहीं करते हैं। तो उसको क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और उसके बाद टूल्स पे आता हूँ तो मूवी मेकर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो सेव टूर के अंदर मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने कोई काफ़ी सारे टूर्स यहाँ पे सेव कर रखे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। लोकेशन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि कहाँ पे मेरी वीडियो यहाँ पे सेव होनी चाहिए। तो मैंने वीडियोस के अंदर दिल्ली में दिल्ली नाम से वीडियो आएगी, ठीक है। रिजोल्यूशन आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप HD पे कीजिएगा, 1080 पिक्सल के अंदर, ठीक है। और या तो आप कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम सेलेक्टेड कर रखा है। कस्टम पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप 60 करना चाहते हैं तो 60 कर सकते हैं, 30 करना चाहते हैं तो 30 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वालिटी है वो हमने मैक्सिमम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप MP4 में कर सकते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी MP4 में हमें मिल जाएगी, ठीक है। और हम लोग अब क्रिएट वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो गाइज रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रिकॉर्डेड फाइल है कैसे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग अब जाते हैं वीडियोस के अंदर, यहाँ पे डेली नाम सेव है, तो इसको यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। तो हमने दो तरीके से यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। पहली वीडियो थी डायरेक्ट हम लोग जूम कर रहे थे, और दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था थोड़ा सा जूम
जूम आउट होकर लेफ्ट राइट कहीं पे भी अर्थ को कीजिए, और उसके बाद जूम इन हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये वाली वीडियो। ऐसी वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हैं या फिर किसी ब्लॉग के लिए बनाना चाहते हैं लोकेशन जूमिंग वीडियो, ठीक है, तो ऐसे मैप की आप यहाँ पे वीडियो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है।